मेरा नाम डॉक्टर हिदायत हुसैन है, मैं लंग स्पेशलिस्ट हूँ। एंड एक अस्थमा एक कंडीशन है वेयर अस्थमा वेरी वेरी कॉमन इंडिया में। तो अस्थमा का ट्रीटमेंट क्या है, डेफिनेशन क्या है मैं बोलूँगा। मैं अस्थमा ऐसा कंडीशन है जिसको दमचाना शुरू होता, सडनली दमचाना शुरू होता। दमचाना के रीज़न क्या है, एक एलर्जी से एलर्जी होता उससे अस्थमा बढ़ता। तो एलर्जी कैसा होता, आप कभी कोई चीज़ को एक्सपोज हुए समझिए, फॉर एग्जाम्पल कोई स्ट्रॉन्ग स्मेल्स है, इतर है, डिओडरेंट्स है, परफ्यूम्स है, घर में कुछ कुत्ते बिल्ली कबूतर पालते आप और कबूतर पालते हैं। एंड आज के ट्रेंड चल रहा है कि घर में पर्शियन कैट रखने का बहुत रिवाज चल रहा है आजकल, तो इससे भी जो है अस्थमा बढ़ता। और उसके बाद खाने के रीजन से भी बाज रीजन से इससे एलर्जी बढ़ती, सेम की फली है, बीन्स की फली है, फिश है, प्रॉन्स है, उससे भी एलर्जी बढ़ती। तो ये कॉमन थिंग्स है जिसके एलर्जी अस्थमा अटैक हो सकता है। और पर्टिकुलरली आजकल लोगों में जो है ट्रेंड हो रहा है कि जो है हुक्का के भी आजकल ट्रेंड चल रहा है यंग बच्चों में, तो हुक्का से भी जो है जो उसमें हुक्का में जो दवा में जो देते हैं उसमें उससे भी जो है अस्थमा अटैक हो सकता है। एंड समटाइम्स पर्टिकुलरली में अस्थमा लेडीज़ में क्यों होता, पर्टिकुलरली अस्थमा लेडीज़ में होता है आर्टिफिशियल गोल्ड से एलर्जी होती, बच्चों को एलर्जी, और सिल्क क्लोथिंग से एलर्जी होती, और सब लोग बाज लोग मेहंदी लगाते हैं बालों में उसी एलर्जी होती, और डिओडरेंट्स है, परफ्यूम्स है, उससे भी एलर्जी होती है। तो ये चीज़ का ख्याल करना पड़ता है आपको। एंड खाने में पर्टिकुलरली सिट्रस फ्रूट्स, मौसमी है, संतरे है, अनन्नास है, उसे एलर्जी होती है खास रीज़न में। और कई लोग जो है पान भी खाते हैं, पान में जो है पान में चूना कत्था भी रहता, उससे भी जो है कई लोगों को जो है अस्थमा अटैक होता। और जर्दे से भी एक रीज़न, जर्दे में जो है तंबाकू रहता, उससे भी जो है जर्दे से भी भोजन को एलर्जी अस्थमा होती है। ये भी सब ऑब्जर्व करना लोग कि जो है गुटखे से नहीं होता, गुटखे से भी जो है गुटखे जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्मेल रहती है, उससे भी जो है अस्थमा अटैक हो सकता है। और रीज़न है बच्चों में पर्टिकुलर में एग्जाम के टाइम पे अस्थमा अटैक बढ़ता है। क्यों, बच्चा जो है स्ट्रेस में रहता, स्ट्रेस से भी अस्थमा अटैक हो सकता है। ये भी प्रेशर, मेंटल प्रेशर ऑल्सो कैन हैव अस्थमा अटैक। पर्टिकुलरली जो यंग बच्चे जो काम कर रहे हैं कॉल सेंटर्स में, मुझे ऐसा लगता कि जो है कॉल सेंटर में स्ट्रेस बहुत रहता है उसके अंदर, उसे भी जो अस्थमा अटैक हो सकता है। तो ये कई रीज़न है अस्थमा होने के वास्ते। हर वो डायग्नोज अस्थमा ट्रीटमेंट, डायग्नोज के वास्ते ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। वंस यू डायग्नोज वेरी इजी, ट्रीटमेंट इज़ वेरी इजी। हर वो डायग्नोज, डायग्नोज इज बेसिकली एक प्रॉपर हिस्ट्री है उससे मालूम होता। और सेकंड एक टेस्ट है, PFT बोलते हैं। PFT मीन्स लंग फंक्शन टेस्ट, लंग कैपेसिटी क्या है मालूम होती। टेस्ट कैन बी डन साल में एक बार या साल में दो बार कर सकते हैं, रेगुलर करने की जरूरत नहीं है उसको। और एक ब्लड टेस्ट करना पड़ता है, उसको जो है IgE बोलते हैं। ब्लड टेस्ट में यूसोफिल्स देखना पड़ता है आपको और IgE देखना पड़ता है, जिसमें जो है एलर्जी बढ़ के रहता है उसके अंदर। अगर IgE बढ़ के है, यूसोफिल्स बढ़ के है, तो जो है भोजन को जो है दवा से कम हो सकता है। एंड ट्रीटमेंट इज बाय इनहेलर्स लेना पड़ता है आपको। पहले अस्थमा में इनहेलर्स की जरूरत पड़ सकती है, वंस पेशेंट अस्थमा कंट्रोल हो तो प्रॉब्लम मे नॉट बी रिक्वायर्ड ऑल्सो, बट ट्रीटमेंट इज कंपलसरी। इनहेलर शुड बी यूज रेगुलरली, शुड नॉट स्टॉप। इन्हेलर की हैबिट होती है, सब लोग बोलते हैं हैबिट नहीं, ये समझना कि जो है इन्हेलर की जरूरत है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इन्हेलर रहना जरूरी है, इन्हेलर नहीं छोड़ना आप। समटाइम छोड़ने से सडनली अस्थमा अटैक हो सकता है, इसलिए अस्थमा के में कंट्रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट। कंट्रोल के वास्ते दवा रेगुलर है, दवा लेते हैं, फिर प्रॉपर डाइट कंट्रोल करते हैं, और जो है डिओडरेंट्स परफ्यूम्स अवॉइड करते हैं, कुछ पेट्स घर में निकाल दिए हैं तो अच्छी बात है। और इंडोर प्लांटेशन से भी अस्थमा हो सकता है। सब लोग जो है घर में फ्लावर्स रखते हैं लोग के सीज़न में, उससे भी जो है अस्थमा अटैक हो सकता है। तो उस वास्ते जो है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डोंट कीप पेट्स, नो डिओडरेंट्स, नो परफ्यूम्स, नो हुक्का, एंड यू विल बी मच बेटर। थैंक यू।